अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करना कि मेरे तमाम दोस्त ठीक है। मैं मोहन हूं मेरा यूट्यूब चैनल चांडिया ऑफिशियल। दोस्तों आज तकरीबन टाइम 8-10 दिन पहले ऐसा मरना थोड़ा एक दवाई की नोन ये दसना मरना कीता है कि आज वीडियो के नाल ना रास्ते तो पता लग गया। फाइनली तैयारी करके तो हूँ मकसद निकलते पे अपने रूम तो जुत्ती पहने जुत्ती पा खरीदे बन के रहना निकलते हैं। मैं ना फाइनली साइड पे आ गया ते अपने नायक मिलते हैं उन्हें कहने कहते हैं खर्चा पानी ते वाल थी ने मंजिल तो रवाना ते नाल सदाम साहब भी आए आए खड़े ये सारे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो पहले ही वीडियो मिलते रहे हैं ना सदाम भाई ते हूँ नायक जी खर्चा पानी दो बस ही थैंक यू बात देव कोई बाल मरे मेरे से गए दूसरा मर गए। दोस्तों मैं जिम्मे तैयारी करके रवाना दिया ते नाल वाला एक मेरा ये समझ जे जीजा भी है बहनोई भी है ते दोस्त भी है ते कुक भी है सारा सारा कुछ यो है ये भी नाल तैयार थी गया क्योंकि ने भाई सब नाल चलना ऐसा रवाना थी गया है ऐसा केपी के तो पंजाब के बॉर्डर के उत्ते तकरीबन पहुँच गया थोड़ी देर तक अस पहुँच गए कितने पहुँच रहे असलाम। अस टैक्स ला जो फाइनली जो ना मंडी मॉडल गड्डी में बह गए तो कहने कि उत्तर ही चक शहजाद इस्लाम बाद जब गड्डी लगती फाइनली जिता आना ना वो है एलर्जी सेंटर मकसद है चक शहजाद इस्लामाबाद अस आ गया से फाइनली मकसद है अपना वैक्सीन वगैरह भी वैक्सीन वगैरह भी गेन की है तो अस हूँ मकसद वापस है। एक मेरा मकसद है अगर कई बंदे को मुख्य जल्दी एलर्जी होती है खारिश वगैरह होती है तो वह बंदा आ सकता है चक शहजाद इस्लामाबाद नेशनल एनर्जी एलर्जी सेंटर ये भी इतना ये जरा मकसद है ये तो पास मेरे वहीं तो सुइया लगे पैने सुइया लेने मुकने बाद वाला मकसद है सब दीते ने वैक्सीन वैक्सीन दिखा नहीं वैक्सीन दीती ने एक बर्फ खेन के वेंदे पे तो अग वाल फ्रिज रखना पी अस अज फाइनली मकसद आया से अस इतनी एनर्जी सेंटर आया से क्योंकि सब थोड़ा एलर्जी जेल का मसला है अस मतलब आ गए इतना अपनी दवाई वगैरह की फाइनली ना वैक्सीन खेन के फैजाबाद मौजूद हैं पे फैजाबाद मौजूद है मकसद एडो गड्डी पकड़े टैक्स ला क्योंकि कम अस टैक्स ला कने अगर हतार इंडस्ट्री एरिया करे ना बस इस करके वाल उत्थ अपना कम स्टार्ट करे तो इतों गड्डी पकड़े ने अगर कहीं दोस्त भी बात मकसद आना हो टेंशन कह नहीं अस पूरा थोड़ा वीडियो एड्रेस दसू अस्पताल का अगर कहीं भी एलर्जी वगैरह हो आ कहीं सेंटर जो वैक्सीन खेल सकते आ गए सब मंडी मोड ते उस्ताद हुन दी थोड़ी मेहनत कीती है ते अग्गे सी डेढ़ दी है उस्ताद हुनी चलो कुछ इजी थी के जुलदे हैं टैक्स ला तक हुन वापसी आ गए ते साडी ये लिखा छोकरे सारे मकसद काम करके तकरीबन थके खड़े होसन तकरीबन थके खड़न ते मैं को आपको भूख बहु डाढ़ी लगी हुई है क्योंकि होटल वाले खाने के ना को डॉक्टर रोक हो खाते कहन से ते वापस हूँ जीवें टाइम तकरीबन पाँचा पे साढ़े पाँचा ते अगो ये चावल पके ही खड़े हैं चावल अस खाते कहने ठीक है गुजारा करें शाम का खा दें बाकी अज जो दसने ना
कि अस्पताल केड़ी गया से, क्या करण गया से, इन मकसद क्या है और तुसा वनो था तो उतना क्या फायदा थी उन्हें सारा डे क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम गया से टेंशन थी है परेशानी थी है क्योंकि असा पता गया ना कितना वन केड़ी केड़ी जाए ते तुसा जेड़ा बंदा मेरी वीडियो देता पा ना वो टेंशन बिल्कुल ना थी वन वैसे क्योंकि असा हर शाय पूरा ड्रेस देने ना उन्हें को। अच्छा दोस्तों हूँ मैं तो सामने ये कि भाई अस अज कि गया से ते मतलब सारा डेंजर लाया है कि खातर लाया है कि सबको उतु क्या फायदा थी उन्हें दोस्तों सबको फायदा ये थी उन्हें कि मेरे जल्द उत ना ही मैं एलर्जी रूनुमा थी है ना मुख्य ना कोई खारिश थी ना कश अगर मैं कोई गर्म चीज़ वगैरह खा गिना या कोई ये चीज़ खावा तो मकसद इवें छपाक जाए तो पूरे वजूद इवें सोजिश थे इवें मुँह तो सोजिश थी वह तो इन जहाँ मकसद कोई अजीब जी कोई निज़ाम थी वह मैं वाल इलाके दवाई वगैरह बहुत की दी अपने सारे टेस्ट भी करवाए हैं इतों टैक्स लाए चु करवाया वाल जिमें हूँ ईद वापस घर गया मैं उतना भी करवाया डॉक्टर साजिद कने अगर जे मेरे इलाके दे बंदे देखने वाले सन तो उन्हें पता उसी डॉक्टर साजिद किस्मत गुजरात MBBS डॉक्टर है भी उन्दे कने उन मशवरा दिता कि तू ना एलर्जी सेंटर है पाकिस्तान दे विच मकसद यही हो वह दे एक इदारा नैशनल एलर्जी सेंटर इस्लामाबाद चक शहजाद मौजूद है पिया असा वाल अज कलोका मूड बनाया कि भाई सवेरे जरा ना असा इस्लामाबाद वजने चक शहजाद ना तो वाल असा सवेरे अज जिमें उठा वाल मकसद तैयारी वगैरह करनी मैं थोड़ा लेट थी गई तकरीबन 8:30 बजे मैं इतना निकल गया मैं असा वाला नवे सिरों से ना एडो टैक्स ला गए टैक्स लाए चु बोला मंडी मोड़ गए पिंडी पिंडी चु बोला मकसद फैजाबाद फैजाबाद जल पहुँच गया उतु वाला मकसद छोटा पिकअप जिमें इस्लामाबाद चढ़ जन वो चलद पे वन उदो तो बह के ना वाल असा गए चक शहजाद मकसद उत जल बंद फैजाबाद पहुँच वे ऊँ कने अगत का कोई मसला गया नहीं फैजाबाद कने पिकअप चाहती है डायरेक्ट ही मकसद उतना चक शहजाद जरा एलर्जी सेंटर है उन्दे उत्ते वाली खड़ी उन्हें रूट ही उ मकसद वो अपना बड़ा ही खड़न क्योंकि आमदोरफ्त बहु ही ज्यादा होंगे ना उतना काफ़ी इलाके से बंद गया दिन काफ़ी ही बहुत वे रश होंगे कि मैं को डॉक्टर साजिद भी आख्या कि तेजी एलर्जी सैट थी वे थी वाल इन्हें भी तरसला दिते ते वैक्सीन भी मैं मकसद जरा ना अज उन्हें इवें तकरीबन 7-14 सुइया मारन मकसद बाजू के ना भला उन्दे मकसद बरीक जेल दे उन्हें वैक्सीन का कोई इे जहाँ निज़ाम आओ किते लाए ने 14 वैक्सीन मकसद है 14 अलग अलग मकसद है टीके जो मेरे जिसम के मकसद है टीके लाए ने ते नाल साकूने वाल ना कुछ ना एक पूरा टीका डे छुड़ने वो जड़ा के 3 महीने का है पिया वो अस इतना फ्रिज रखा है नाल मकसद इतना सारे कहीं सहूलत कहने नाल मकसद है अस जितों सौदे वगैरह गिंदे दुकान दुआ सलाम चेंडर स्टैंड के उन्दे कहने सर रख दीते ते उन्हें कि हर 7 दिन के बाद मकसद अज एतवार ही ना अज एतवार उतो सारी वैक्सीन थी गई है वल बल्दे एतवार असा इतु चैसूँ वाल मकसद जरा सर्जन होवे पिया उन्दे कहने बन के असा ये वैक्सीन वाला करवेसूँ पहले पहले 5 ml मकसद इवें वाल 10-15-20 इवें बधेंदा उन्हें मकसद एंड दो जरा उन्हें उन वाले तकरीबन 100 ते पहुँच मिलने टीका इं हिसाब अपना जरा ना वैक्सीन का सिलसिला मुकम्मल करने तकरीबन उन्हें जरा ना सबको दीते भरोसा दीते एक दिलासा दीते कि उन्हें कि तुआकू इन 100% जरा 100% लोग ठीक थी वन हाँ मकसद वादन कोई अगर कोई मकसद होंगे ना उम्र के तकाजे नाल जा कहीं को मकसद खारिश वगैरह होंगी है ये जी कोई गंदी वो मकसद उनकी अगर खैर ना आए तो वाली बंदा बन सकते दूजी दफा ही वो वैक्सीन देन तो हूँ इन पता यह है कि अगर कहीं इलाके चो कोई बंदा इतना कहीं को एलर्जी है खारिश है कहीं किस्म भी वो आना चाहते वो उतो जेड़े शहर च भी आना चाहते वो गड्डी पकड़े सी इस्लामाबाद की इस्लामाबाद जल्द गड्डी पकड़े सी वो इस्लामाबाद कितने ही कह नहीं वाणा फैजाबाद आके लाए हुए थी क्योंकि इंदा फायदा ये थी उन्हें अगर कहीं अड्डे लाए वैसे ना
ते वला तुआकूं उत्थों कने कई शायद उत्ते आना पोसी वाल थोक थोड़ा तंगी थी सी परेशानी आसी इस करके तुसा जेरे शहर जो आओ सीधा फैजाबाद लासो फैजाबाद जिमें लासो नाल भी मकसद है कैरी डब्बे खड़ोनन वो तकरीबन 60 रुपया गिंदन किराया ते सीधा वो एलर्जी सेंटर जे रहना नेशनल एलर्जी सेंटर चक शहजाद उत्थां पहुँचा देनन उत्थां जेरे वैसो पहले वन की पर्ची 1990 जो सूँ पर्ची थी सी वाल वन की मकसद है अगो फीस भरे सो जो टेस्ट है उन्दी 1000 रुपया तकरीबन फीस है फीस भर गया सो तो सुइया वगैरह जो उन्हें पोड़ना सन वो पोड़े सन चेकअप करे सन वाल थो को वैक्सीन ने सन 700 रुपये की वैक्सीन है तकरीबन जरा टोटल उत्था खर्चा सीधे 1700 रुपया है भैया बाकी जरा खर्चा है मकसद वो अपने तो डिपेंड है जितों कहीं कोई आसी उतना खर्चा से सी 1700 रुपया खर्चा है पिया उतों का बाकी कोई बड़ा खर्चा कह नहीं आज दी वीडियो तो करना है इतना ही एंड वल मिल सुन कल दी वीडियो नाल अल्लाह हाफिज़।